देखो लड़की आ गई, कितनी प्यारी है ना, शी इज सो ब्यूटीफुल। मला इज सो लकी ना। एक मिनट बेटा, रुक जाओ रुक जाओ। देखिए नंदिता जी, जब सगाई लड़के वालों के यहाँ हो रही है और लड़की पहली बार किसी रस्म के लिए आपके यहाँ आई हुई है, तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप आगे बढ़कर लड़की की पूजा कीजिए और उसकी आरती उतारिए, फिर उसे अपने घर ले आइए। आरती की थाली दीजिए, लीजिए आरती उतारिए। कि वो लोग मित्तल खानदान के चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा देना चाहते हैं, के लिए बुझा देना चाहते हैं, और वो लोग मले को जान से मारना चाहते हैं, जान से मारना चाहते हैं। रुकिए रुकिए, सिलेक्ट कर दीजिए। अभी रुकिए रुकिए, उस पर अच्छा भी चढ़ा दीजिए। अब लड़की को अंदर ले चलिए। आओ बेटा आओ अंदर। नंदिता जी, मलय को बुला लीजिए। मैं लेके आता हूँ। क्या हुआ वरदान, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कितना खुश है ना मले, तुम भी खुश हो ना अपू? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं उससे भी ज्यादा खुश हूं। वैसे वरदान, तुम दो तीन दिन में ही मले और उसके परिवार के काफी करीब आ गई हो ना? हाँ, ये लोग हैं ही इतने प्यारे कि किसी को भी इनसे लगाव हो जाएगा।
माना गलती सबसे हो जाती है, पर सब गलती करने वाले गलत तो नहीं होते ना। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मलिक खुश रहे और मलिक की खुशी तुम्हारे साथ है। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मुझसे प्यार करती हो ना? आपको ये कैसा सवाल है वरदान? अगर नहीं करती तो आज यहाँ नहीं होती। वरदान बेटा एक मिनट आना। जी आंटी। ये क्या पागलपन कर रही थी बेटा तू? अगर उसे शक हो जाता तो? आंटी मैं क्या करूं, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि अप्पू मलिक के साथ ऐसा कर सकती है। मैंने उसकी आंखों में मलिक के लिए प्यार देखा है। मुझे तो लगता है ये सब कल्पना आंटी उससे जबरदस्ती करवा रही है। आंटी ये कौन है? मुझे नहीं पता, मैंने पहले इन्हें कभी नहीं देखा। क्योंकि मैं देख कर आती हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी। मैं वेदा। आप लोग किसकी तरफ से हैं? वो ये मेरी तरफ से है। ये मेरे मौसा जी के बड़े बेटे हैं और ये उनकी पत्नी। खूब सुंदर लग छे वरदान। बड़ू दीदी आशुन, ये है मेरी ओपू का ससुराल। कितनी अच्छी तैयारियां की है ना इन्होंने। नमस्कार बड़ू दीदी। आओ कल्पना, तुम्हारा ही इंतजार था। आओ। ये तो यहाँ आ गई। कुमकुम और रेनू के बारे में कुछ पता चला? कुछ पता नहीं। पंडित जी अब तो सभी लोग आ गए हैं, क्यों ना हम सगाई की रस्म शुरू कर दें? जी। रुकिए। मेरा मतलब है अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। तो कह रही है वरदान, इतनी भी क्या जल्दी, अभी तो मेहमान आना शुरू हुए हैं। सगाई के लिए तो पूरी रात बाकी। सही तो कह रही है बौरू दीदी माँ, रात तो अभी बाकी है। और वैसे आज की रात तो दोनों परिवारों के लिए जश्न की रात होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो गाने बजाने का पूरा इंतजाम कर लिया था हमने, लेकिन आपको तो वक्त ही नहीं मिला होगा, इसीलिए पार्टी एकदम बेजान और ठंडी लग रही है। ये रात तो एकदम यादगार होनी चाहिए, लेकिन हमने इसका भी इंतजाम कर लिया है। अभी बेटा जी। म्यूजिक हो जाए। हाँ जरूर।
हेलो हेलो माँ, आप लोग कहाँ रह गए? अरे क्या बताएं, हम उस कल्पना को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ फुर हो गई है वो। अरे जिसे आप लोग बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो यहाँ पे है। क्या? आप लोग प्लीज जल्दी आइए। अरे मालपुए की कसम कुकु, ये कल्पना तो सचमुच की जादूगरनी निकली, ये वहाँ पहुँच गई है। हाँ। घर शाम है, जाम है और है नशा, तन भी है मन भी है पिघला हुआ, छाई है रंगीनियाँ, फिर भी है बेताबियाँ, क्यों धड़कता है दिल, क्यों ये कहता है दिल, दीवानों को अब तक नहीं देखे गायब हो गए, हमें पता ही नहीं चला। क्या देख, क्या खड़ी है? लेकिन उसके साथ एक आदमी हमने देखा। कौन सा आदमी? बड़े दीदी, वो हमारे यहाँ रिवाज है कि पहली कौर मिठाई का पहला टुकड़ा लड़की को खिलाया जाता है। और उसके बाद लड़के को, ताकि लड़का इस बात को समझे कि उसको अपने से पहले अपनी पत्नी का ख्याल रखना है, उसका पेट भरना है। और मैं चाहती हूँ कि मले भी ये बात समझे। इसीलिए मिठाई का पहला टुकड़ा तो अप्पू ही खाएगी।
जैसे लड़के वाले ठीक समझे। लगता है ये किसी और तरीके से मले को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पर कैसे? क्या होगा इनका प्लान? आंटी, ये सगाई हमें कुछ देर तक के लिए रोकनी होगी ताकि हम कल्पना आंटी का प्लान समझ सके। मले कहाँ जा रहा है? वो भी अकेले? सॉरी, अगर हाथ से अगर लग गया हो तो। थैंक गॉड हाथ से मारा है, जूते से नहीं। मैं क्यों जूते से मारूंगी? वो क्या है ना, लड़कियों का कॉकरोच से विशेष प्रेम होता है, तो अक्सर उनका स्वागत जूते या चप्पल से किया जाता है, इसलिए। वैसे कहाँ जा रहे हैं? जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? चलूंगी मैं। वॉशरूम जा रहा हूं, चलोगी? हॉले हॉले, ओ रब ने बना दी जोड़ी की शाहरुख खान। टीके पे ध्यान दिया कि बन्नी की सूरत में ही खो गई। देख लिया उसे मैंने माँ। अरे उसे नहीं, उसके टीके को। हाँ हाँ, टीके की ही बात कर रही थी। और अब आप फिर से अपना प्रेम ज्ञान मत शुरू कीजिए, मुझे और भी बहुत काम है। अच्छा, अरे राम 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 राम, एक कैसी बात कर रहे हैं आप? हम ऐसा झूठ कभी नहीं बोल सकते, वो भी इतनी शुभ मुहूर्त को लेकर। जितना कहा है ना उतना डूइंग्स कर, वरना मुहूर्त की तरह तुम्हें भी अशुभ कर दूंगी। ओके, अब मुहूर्त एक घंटा लेट होना चाहिए, और अगर इस काम में जरा भी गड़बड़ हुई ना तो कॉलोनी में से तुम्हारा दाना पानी कौन कौन स्कॉन्स हो जाएगा, समझे? अब जाओ समोसा और चाट इंजॉय करो, ठीक है? और ये पकड़ो। पंडित जी जाग जाइए, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, अभी मुहूर्त आरंभ होने में समय लगेगा, लगभग एक घंटा बाकी है मुहूर्त आरंभ होने में। अरे पर कल तो आपने कहा थी इसी समय में मुहूर्त है। कितने पैसे दिए आपको पंडित जी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पंडित राम नारायण शास्त्री को वो भी घूस लेने का आरोप लगा रही है। राम 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 राम, भगवान को भी बुरा लग जाएगा ये बात सुनकर। भगवान को मैं संभाल लूंगी पंडित जी, आप अपना दाम बताइए। कब? मतलब आप गलत समझ रही हैं, गलत समझ रही हैं आप हमें, गलत समझ रही हैं। चलिए तीन गुना।
और कोई आप पे शक भी नहीं करेगा, ना भगवान ना ये इंसान। नजराना पसंद आया मित्तल बाबू? 20 साल पहले जो धोखा दिया था तुमने, वही धोखा आज 20 साल बाद मैं सूद समेत लौटा रही हूं। तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की गलतियों की सजा आज तुम्हारा बेटा मलय मित्तल चुकाए।